ग्राम्य विकास योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक ग्राम्य विकास आयुक्त एनपी सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में ग्राम्य विकास आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता के साथ समयबद्ध ढंग से पूर्ण करें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। जन जागरूकता के दृष्टिकोण से योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए तथा योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने ग्राम विकास योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, NRLM आदि की समीक्षा करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले तथा कार्यों का सत्यापन एवं फोटोग्राफी अवश्य कराई जाए। मनरेगा के संबंध में ग्राम्य आयुक्त ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस रोजगार परक योजना मनरेगा की भावना के अनुरूप क्रियान्वित हो। इसके तहत कराए जा रहे प्रोजेक्ट का इमरजेंसी चेकिंग तथा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब तबके के लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देना तथा मजदूरों का पलायन रोकना है। उन्होंने कहा कि गरीबों का हक छीनना सबसे बड़ा अपराध है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह सहित समस्त वीडियो तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इसमें तो रिजॉल्व करना पड़ेगा सामान्य आपसी विरोध, कोई फोर्स है इसके लिए, कोई कारण अगर ये कोई बहुत प्रत्यक्ष जिससे लगे कि आपको लॉजिकल है रोकना, इसमें तो कुछ अरुण जो है पुलिस का भी हस्तक्षेप था, तो बैठ करके SDM और CO की ड्यूटी लगाता है ऐसे केसेस में। चिट्ठी टीम साहब से लिखवाएंगे, SDM CO जाकर के वीडियो के साथ गांव में बैठक कर लेंगे, सीओ को नहीं टाइम है तो SO और तहसीलदार जाके बैठक कर लेंगे, रिजॉल्व हो जाएगी। तो हाउस कमेटी हो जाती है, विधानसभा की पंचायत राज समिति की कमेटी हो जाता है, उस समय जो चार का आवाज भी जाते होंगे आपको समिति की बैठक होती है, छह सात आठ साल बाद आपको जवाब देते हैं मंत्र क्या जवाब दे, ये कैसे अपने पीरियड में रिजॉल्व कर लेंगे तो ठीक है। इसके बारे में।